वेलकम टू बैक यूट्यूब चैनल टेक्निकल बिया में आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले फ्रेंड्स कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में यूजी पार्ट टू का एग्जामिनेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। आप लोग किस तरह से अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे पूरी जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत परेशानी हो सकता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बता देते हैं आप लोग को यूजी पार्ट टू में अपना एग्जामिनेशन फॉर्म किस तरह से फिलअप करेंगे, पूरी जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूँ। ओके, तो चलिए शुरू कर। तो सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स, आपको अपना एक ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स, जिस तरह से मैं यहाँ पे टाइप किया हूँ, यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स lmnuuniversity.in इस तरह से टाइप करना और सर्च करना। ओके, सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स, तो इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, डायरेक्टली वहाँ से क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पे लॉग इन पैनल फॉर यूजी पार्ट टू एग्जामिनेशन। ओके, तो यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे मांगा जाएगा यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड। तो अगर आप लोग यूजर आईडी और पासवर्ड भूल चुके हैं तो किस तरह से प्राप्त करेंगे पूरी जानकारी मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। ओके, अगर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड पता है तो यहाँ पे सिंपली से आपको क्या करना है, यूजर नेम यहाँ पे डाल देना और यहाँ पे पासवर्ड डाल देना, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना, उसके बाद आपके सामने पूरा आपका पूरी जानकारी आपके सामने शो हो जाएगा। ओके, तो चलिए बता देते हैं कि अगर आप लोग अपना यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं जानते तो किस तरह से पता करेंगे। तो चलिए नीचे आना है, आपको नीचे की तरफ आ जाना और यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पे गेट एग्जिटिंग लॉगिन एंड पासवर्ड फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ यूजी पार्ट टू। ओके, तो सिंपली से आपको इस पे क्लिक करना। ओके, तो चलिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पे यूजर डिटेल्स। ओके, तो सिंपली से आपको यहाँ पे कोर्स देख सकते हैं, कोर्स लिखा हुआ, तो कोर्स यहाँ पे सेलेक्ट कोर्स, यहाँ पे अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैं यूजी टू का यहाँ पे यूजी टू सेलेक्ट करना। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आपका यूनिवर्सिटी का रोल नंबर था पार्ट वन का, यहाँ पे सिंपली से टाइप कर देना। ओके, इसमें इस बॉक्स में। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपना यहाँ रोल नंबर टाइप कर दिया। उसके बाद सिंपली से आपको क्या करना, आपको क्या करना, सर्च पे क्लिक करना। ओके, तो चलिए मैं सर्च पे क्लिक किया। जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे देख सकते फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम, यहाँ पे यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से आप लोग अपना पासवर्ड निकाल सकते हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड। ओके, अगर भूल चुके हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, सिंपली से आपको बैक आना है। ओके, बैक आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना, अपना यूजर नेम यहाँ पे और यहाँ पे पासवर्ड जो आपको वहाँ पे प्राप्त हुआ है वो यहाँ पे डालना है, उसके बाद लॉग इन पे टिक करना। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स इस तरह से अपना यूजर नेम और पासवर्ड पता करके अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं आगे की प्रोसेस नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि सिक्योरिटी के लिए। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि अगर मैं लॉगिन करता हूं तो किसी का भी डाटा शेयर हो सकता है। फ्रेंड्स, तो आप लोग इस तरह से अपना यूजर आईडी और पासवर्ड पता करके अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आगे की प्रोसेस ज्यादा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, आपको लॉगिन करना, लॉगिन करने के बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको क्या करना, सेव डाटा पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा, फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद पेमेंट गेटवे पे जाना है और आपको जितना भी पैसा वहाँ पे दिखाया जा रहा है वहाँ पे आपको पे कर देना है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI के माध्यम से आप लोग अपना पेमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अगर आप लोग को मेरा जानकारी अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फ्रेंड में शेयर करिए, ताकि वो लोग भी अपना यूजर आईडी और पासवर्ड भूल चुके हैं तो इस तरह से पता करके अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं पार्ट टू का। ओके, तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय जवाहर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।